हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडॉक्स अभिक्रिया में इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करने की अलग अलग विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और आयन इलेक्ट्रॉन विधि में अभिक्रियाओं को बैलेंस करने के लिए दो माध्यम काम में लिए जाते हैं, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। कई अभिक्रियाएं उदासीन माध्यम में भी संपन्न कराई जाती हैं, तो यहाँ पर अपन अम्लीय और क्षारीय माध्यम की अलग अलग अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है या संतुलित किया जाता है। उसके लिए मैं सबसे पहले उदाहरण लेता हूँ Cr2O7-2 प्लस Fe+2 Cr+3 Fe+3 और यहाँ जो मीडियम दे दिया गया है वो है एसिडिक मीडियम, मतलब अम्लीय माध्यम। तो सबसे पहले अपने को दी गई रासायनिक अभिक्रिया में जो आयन प्रेजेंट है या जो अणु प्रेजेंट है उसके अंदर उपस्थित तत्व का ऑक्सीकरण अंक अपने को निकालना है। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक, Fe का ऑक्सीकरण अंक, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक और Fe का ऑक्सीकरण अंक, इन सभी का अपने को ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। यहाँ Cr2O7-2 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक है +6, इस Fe+2 में ऑक्सीकरण अंक है +2, इसमें ऑक्सीकरण अंक है +3 और इसमें ऑक्सीकरण अंक है +3। अब यहां पर देखेंगे यदि ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो उस क्रिया को अपन अपचयन या रिडक्शन कहते हैं, और यदि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि है तो उस क्रिया को अपन ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पर क्रोमियम जो है वो +6 में है, +6 से वो कन्वर्ट हो रहा है +3 में। यहां पर Fe है वो +2 में है, वो कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। तो +6 से +3 में आ रहा है, मतलब कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो उस क्रिया को अपन क्या बोल देंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये लाइन ये है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन मतलब रिडक्शन अभिक्रिया। और ये जो स्टेप है Fe+2 है वो चेंज हो रहा है Fe+3 में, ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इन दोनों क्रियाओं को अपन, यानी कंप्लीट रेडॉक्स अभिक्रिया कब बनती है, जब उसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें आधी अभिक्रिया अपचयन की है और आधी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है, तो अपन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग अर्ध ऑक्सीकरण अर्ध अपचयन के अंदर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर लिखते हैं अर्ध अपचयन अभिक्रिया। तो अर्ध अपचयन अभिक्रिया में, अर्ध अपचयन अभिक्रिया में अपन जो रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं Cr2O7-2, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम को देखना है, क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ क्रोमियम कितना है 1, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इधर ऑक्सीजन कितने हैं 7, इधर ऑक्सीजन की संख्या अपने पास में 0 है। तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की कमी है उधर उतने ही अपन जल के अणु जोड़ देते हैं नियम के अनुसार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7H2O। अब उसके बाद में 7 जल के अणु जोड़ने के बाद में इधर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई 14, इधर हाइड्रोजन की संख्या अपने पास में 0 है। तो क्या करेंगे, नियमानुसार जिधर जितने हाइड्रोजन की कमी होती है उधर उतने ही अपन H पॉजिटिव आयन जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14H पॉजिटिव आयन। उसके बाद में इधर क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम इधर है, 14H इधर है, 14H इधर भी है, ऑक्सीजन 7 इधर भी है, इधर भी ऑक्सीजन 7 है। अब क्या करेंगे, आवेश को संतुलित करने के लिए जिस तरफ जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उधर उतने ही अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, या जिधर जितने आवेश, जैसे यहाँ पर प्लस का चार्ज है, यहाँ प्लस का चार्ज है, इसको देख करके अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन दाईं ओर जोड़े जाते हैं और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का कितना है 2 है, प्लस का कितना है 14 है, प्लस का कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर
प्लस का आ जाएगा 6, इधर प्लस का कितना आ जाएगा 14, इधर माइनस का कितना आ जाएगा 2। इनको अगर काट दें इन दोनों को, प्लस माइनस अगर इसी सेल में है तो इनको काट देंगे, तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा 12 बचेगा, इधर प्लस का कितना बचेगा 6 बचेगा। अपने को प्लस का 6 इधर भी है, प्लस 12 इधर है, तो मतलब यहाँ प्लस का 6 बचा, इधर प्लस का 6 है, प्लस 6 इधर भी है, तो यहाँ प्लस का 6 और शेष बच गया। प्लस 6 को काटेंगे तो अपने को 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ देने हैं। अपचयन की क्रिया में मैंने अभी बताया, अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन बाई तरफ जोड़े जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगली अभिक्रिया को लिख लेंगे। अगली अभिक्रिया को लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, अगली अभिक्रिया को लिखोगे आप अर्ध अपचयन में, तो अभी अगली अभिक्रिया को सॉरी अर्ध ऑक्सीकरण में लिखेंगे, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अर्ध ऑक्सीकरण में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, Fe प्लस का 2 है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe प्लस का 3 में, Fe प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 3 है, इधर एक ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने को एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ना पड़ेगा ताकि ये आवेश वो उदासीन हो जाए। तो अब क्या करोगे, इसको दोनों को क्या करें, जैसे ये प्लस का 2 है, इधर प्लस का 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक है, ऊपर वाली सेल में अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दाईं तरफ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, तो इन दोनों को अपन बैलेंस करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, और ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। दोनों अभिक्रियाओं को अपन जोड़ करके नीचे लिखते हैं, तो ऊपर वाली जो ये तो अपनी जो स्टेप है वो कहलाती है पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैं इसको लिख देता हूँ। अगली स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में इसको लिखेंगे Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14 H पॉजिटिव, उसके बाद आपका आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ जाएगा आपका 2Cr प्लस 3, और 2Cr प्लस 3 के बाद में 7 H2O, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में नीचे वाली अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जब लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 6Fe प्लस 2, ये कन्वर्ट हो रहा है 6Fe प्लस 3 में, और प्लस के यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी सेल मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी गुणा हो जाएगी पूरी सेल। इन दोनों सेल को अपन जोड़ देते हैं, अर्ध ऑक्सीकरण और अर्ध अपचयन सेल को दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे अपना बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अपन काट देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को काट देंगे तो इस तरफ अपने पास में आ जाएगा, इधर लिखूंगा मैं Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस प्लस 6Fe प्लस 2, मतलब तीर के निशान के पहली वाली समीकरण में जोड़ देता हूँ एक साथ, उसके बाद में 2Cr प्लस 3, 2Cr प्लस 3 प्लस आपका आ जाएगा 6Fe प्लस 3 प्लस आपका आ जाएगा 7H2O। अब इसके बाद में ये अपनी संतुलित समीकरण है, अपन कन्फर्म करने के लिए एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, क्रोमियम अपने पास में इस तरफ 2 क्रोमियम है तो इस तरफ भी अपने पास में 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन इधर 7 है तो इधर भी ऑक्सीजन अपने पास में 7 है, हाइड्रोजन है इधर 14 है, इधर भी हाइड्रोजन अपने पास में 14 है, Fe अपने पास में 6 है, Fe अपने पास में 6 है। अब इसके बाद में आवेश जो है इस प्रक्रिया में आवेश महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आवेश को देखने के लिए कितना चार्ज है, दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस है कि नहीं है, उसके लिए आप इधर माइनस 2 करोगे, इधर आप प्लस का 14 लिखोगे, इधर आप प्लस का 12 लिखोगे, इधर आप प्लस का 6 लिखोगे, इधर आप प्लस का 18 लिखोगे, मतलब ये मैंने लिखा है 3 है, मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई है तो 18 हो गए, ये 3 है 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, ये 2 है 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 है, ये 14 है अपना। अब इसके बाद में टोटल प्लस का कितना है, टोटल माइनस का कितना है, उसको अपन काउंट कर लेते हैं। यहाँ दोनों को काउंट करूँगा तो मैं प्लस का हो जाएगा अपना 26, इधर मैं दोनों को काउंट करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा अपना 24, इधर माइनस का कितना है, माइनस का इधर अपना 2 बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, माइनस 2 बचा है, अब इनको काट दो, माइनस 2 प्लस 26 को काटेंगे तो प्लस का कितना बच जाएगा 24, मतलब इस सेल में भी 24 है, पॉजिटिव चार्ज है और इस सेल में भी पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार यह अभिक्रिया बैलेंस अभिक्रिया यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में इस प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप इसको संतुलित कर सकते हैं, और क्षारीय माध्यम की जो क्रिया है उसका अध्ययन अपन अगली स्टेप में करेंगे। धन्यवाद।